हेलो बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने डायरेक्ट मेथड से लिमिट के क्वेश्चन सॉल्व करना सीखे हैं और आज हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से लिमिट के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं ये सीखेंगे। तो और ये जानेंगे कि फैक्टराइजेशन मेथड होता क्या है और वो हमारा क्वेश्चन में कैसे अप्लाई किया जाता है, ये सारी बातें हम आज की क्लास में हम लोग करने वाले। तो चलिए हम लोग देर न करते हुए अपना टॉपिक उठाते हैं और ये मेथड होता क्या है। फैक्टराइजेशन मेथड की अगर हम बात करें तो हम ये बता दें कि पिछली क्लास में हम लोगों ने डायरेक्ट मेथड में क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक्स की वैल्यू फंक्शन में डायरेक्ट पुट कर देते थे और सिंप्लीफाई करके रिजल्ट ऑब्टेन कर लेते थे। लेकिन यहाँ फैक्टराइजेशन मेथड में जैसे ही हम x की वैल्यू फंक्शन में डायरेक्ट पुट करते हैं तो फंक्शन हमारा इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आ जाता है। अब इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आ जाता है तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता है। तो ऐसे केस में फंक्शन को हमको पहले फैक्टराइज करना होगा, अर्थात उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करना होगा और फैक्टराइज करने के बाद फिर हमें जो कॉमन पार्ट हो उसे कैंसिल करके अर्थात सिंप्लीफाई करके After that, we will take the limit and find out the result. Okay, बच्चों, तो अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन। First, x tends to 1, 2x minus 3 into x minus 1 upon 2x square plus x minus 3। अब इसको हमको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे कि पहले अगर हम डायरेक्ट मेथड की तरफ से x की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं तो यहाँ पे जब हम x की वैल्यू रखते हैं तो न्यूमरेटर हमारा जीरो हो जाता है और डिनोमिनेटर जीरो हो जाता है, अर्थात ये जीरो अपान जीरो की फॉर्म में आ जाता है। जब जीरो अपान जीरो की फॉर्म में आ जाता है तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो जा कहलाती है हमारी। अब इनडिटर्मिनेट फॉर्म में डायरेक्ट मेथड हमारा अप्लाई नहीं हो पाता है तो अब हम क्या करते हैं कि जो हमारा फंक्शन दिया गया है इसको हम पहले फैक्टराइज करते हैं और फैक्टराइज करने के बाद सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद ही हम लिमिट रखते हैं और फिर क्वेश्चन में रिजल्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो चलिए अब हम इसमें देखते हैं, x इक्वल टू 1 रखते हैं तो इसका रिजल्ट 0 अपॉन 0 अर्थात इनफाइनाइट फॉर्म बन जाती है। तो हम इसमें अप्लाई करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, अर्थात इसके फैक्टर करते हैं। टू एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस वन, डिनोमिनेटर के फैक्टर करेंगे तो फैक्टर जब क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल होता है तो उसके फैक्टर करने के लिए टू इंटू थ्री सिक्स हो गया और सिक्स के ऐसे फैक्टर करेंगे कि हमारा एक्स का कोफिशियंट इनके एडिशन या सब्ट्रैक्शन से मिल जाए। तो यहाँ से 2 इंटू 3 6 6 यानी 3 माइनस 2 कर देंगे तो हमें 1 मिल जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 3, अर्थात इसके हमारे फैक्टर हो जाएंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 2x माइनस 3 इंटू x माइनस 1। अब यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो कॉमन यहाँ पे हमें x मिल रहा है इन दोनों में से, तो 2x प्लस 3 और इस पार्ट में हमको कॉमन माइनस का 1 मिल रहा है तो माइनस 1 कॉमन ले लिए तो 2x प्लस 3 यहाँ आ जाएगा, अर्थात अब हमें 2x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 अपान एक कॉमन पार्ट 2x प्लस 3 हो गया और सेकेंड आपका x माइनस 1, ये इस तरह से आपका फैक्टर आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे कॉमन x माइनस 1 है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा और रिमेनिंग पार्ट को हम लिख लेते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1 2x माइनस 3 अपान 2x प्लस 3 taking limit then
लिमिट लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 इंटू एक्स की जगह 1 माइनस 3 अपान 2 इंटू 1 प्लस हो जाएगा आपका 3 इक्वल टू माइनस 1 अपान 5 इसका रिजल्ट आएगा। ओके बच्चों, तो ये आपका क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो यहाँ पे गिवन है वो है लिमिट x टेंड्स टू माइनस 1 x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू माइनस 1, अब इस क्वेश्चन में भी जब हम x इक्वल टू 1 रखते हैं तो यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की वैल्यू जीरो हो जाती है, और जब जीरो हो जाती है तो ये मेथड हमारा इनडिटर्मिनेट फॉर्म में चला जाता है, अर्थात इसमें हमारा डायरेक्ट मेथड अप्लाई नहीं हो सकता है। तो जब डायरेक्ट मेथड नहीं अप्लाई होता तो हम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हैं, और फैक्टराइजेशन मेथड में हम फंक्शन को फैक्टराइज करते हैं। तो चलिए इसे हम फैक्टराइज करते हैं। तो न्यूमरेटर तो हमारा ऑलरेडी फैक्टर्ड है, नीचे का हम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, तो ये हमारा हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3, तो 2x प्लस एक्स प्लस 2, अर्थात लिमिट x टेंड्स टू माइनस 1 x माइनस 4 x प्लस 1 अपान x कॉमन मिल गया तो x प्लस 2 प्लस 1 कॉमन है तो x प्लस 2, लिमिट x टेंड्स टू माइनस 1 x माइनस 4 x प्लस 1 अपान x प्लस 2 इंटू x प्लस 1, यहाँ पे x प्लस 1 कॉमन है जो कैंसिल हो जाएगा, सो लिमिट x टेंड्स टू माइनस 1 x माइनस 4 अपान x प्लस 2, टेकिंग लिमिट देन रिजल्ट होगा x की जगह माइनस 1 रख देंगे तो माइनस 1 माइनस 4 अपान माइनस 1 प्लस 2, रिजल्ट आपका आएगा माइनस 5 अपान 1 दैट इज माइनस 5। दिस इज रिक्वायर्ड क्वेश्चन है हमारा लिमिट x टेंड्स टू माइनस 1 x स्क्वायर माइनस 1 अपान 1 प्लस x। चलिए सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो सॉल्यूशन है लिमिट x टेंड्स टू माइनस 1, अब यहां से हम इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन x प्लस 1, ये हमारा फॉर्मूला होता है। सिंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे तब लिमिट x टेंड्स टू माइनस 1 x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 अपान x प्लस 1, हियर x प्लस 1 इज कॉमन पार्ट सो दिस कैंसिल्ड एंड वी विल राइट द रिमेनिंग पार्ट x टेंड्स टू माइनस 1 x माइनस 1। नाउ वी विल टेक लिमिट देन, अब यहां पे x इक्वल टू माइनस 1 पुट कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा माइनस 1 माइनस 1 इक्वल टू माइनस 2। दिस इज रिक्वायर्ड रिजल्ट।
ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके बच्चों, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन फैक्टराइजेशन मेथड में सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिमिट एक्स टेंस टू दी एक्स क्यूब माइनस 27 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो इसको हम लोग लिखते हैं लिमिट एक्स टेंस टू 3 एक्स क्यूब माइनस 27 को हम 3 क्यूब लिख सकते हैं अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब सिंस वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये न्यूमरेटर में हमें लोग अप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आपका बन रहा है, जिसे हम लिखेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो लिमिट एक्स टेंस टू 3 ए क्यूब माइनस बी क्यूब से हम इसे लिखेंगे एक्स माइनस 3 सेकेंड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 का स्क्वायर अर्थात 9 अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अर्थात x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। अब यहां से x माइनस 3 हमारा कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग पार्ट हुआ x टेंस टू 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 अपॉन एक्स प्लस 3। टेकिंग लिमिट अब हम लोग लिमिट ले लेंगे लिमिट देन। अब यहां से ये क्या हो जाएगा, यहां अगर हम बात करें तो ये हमारा हो जाएगा इक्वल टू, एक्स की जगह पे 3 रख देंगे तो 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 प्लस 9 अपॉन 3 प्लस 3 अर्थात इसे हम लिख सकते हैं ये हमारा हो गया 9 प्लस 9 प्लस 9 अपॉन 6 दैट इज 27 अपॉन 6 कैंसिल हो करके ये हो जाएगा 9 अपॉन 2। दिस इज रिजल्ट। बच्चों अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 1 x टू द पावर 4 माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन x क्यूब माइनस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स प्लस 1। अब इसको हम कैसे करते हैं, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ऐसी कंडीशन में है जहां पे हमें दोनों को फैक्टराइज करना होगा। तो चलिए अब हम यहां बात कर रहे हैं लिमिट एक्स टेंस टू 1 डायरेक्ट एक्स की वैल्यू रखने पे ये हमारा इंडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगा, क्यों 0/0 की फॉर्म बन रही है। अब ऐसे में हमारा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई नहीं हो पाता है, तो जब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं अप्लाई होता है तो हम उसमें फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हैं, अर्थात न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करते हैं। तो चलिए हम इसे फैक्टर इसके करते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं न्यूमरेटर को एक्स स्क्वायर टू द पावर 2 माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपान। इसके फैक्टर करने के लिए हम देख रहे हैं कि x की जब वैल्यू इसमें 1 रखते हैं तो ये हमारा 0 रिजल्ट दे देता है, अर्थात यहाँ से हमें ये मालूम हो गया कि x माइनस 1 इसका डिनोमिनेटर का एक फैक्टर होगा, तो हम क्यों ना x माइनस 1 से इसे डिवाइड कर दें x क्यूब माइनस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स प्लस 1 को,
तो यहां से हमें डिवाइड करने से हमको इसका सेकेंड फैक्टर मिल जाएगा। तो चलिए हम डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर से इसे मल्टीप्लाई किए डिवाइजर को, तो ये एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर अपान साइन चेंज हो जाएंगे सब्सट्रैक्ट करने में, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हमें माइनस का फोर एक्स स्क्वायर मिलेगा, प्लस का थ्री एक्स नीचे लेंगे। अब माइनस फोर एक्स से हम मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइजर को, तब ये हमारा हो जाएगा माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स अपान सब्सट्रैक्ट कर देंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से माइनस का एक्स आएगा और प्लस का वन ऊपर से ले लेंगे। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वन से डिवाइजर को, तब हमें मिलेगा माइनस एक्स प्लस वन, जब सब्सट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं और ये कैंसिल हो जाएगा, रिमाइंडर हमारा जीरो हो जाएगा। तो हमें टू फैक्टर मिले, फर्स्ट फैक्टर हमारा हो गया एक्स माइनस वन और सेकेंड फैक्टर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस वन। तो इस तरह से डिनोमिनेटर के हमने फैक्टर कर लिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू वन, यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखा हुआ है। अब इसके फैक्टर करते हैं, तो टू के ऐसे फैक्टर करें कि जिसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन थ्री के इक्वल है, तो टू, तो जिसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू अपान एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस वन। चलिए अब हम यहाँ कॉमन लेते हैं, कॉमन हमारा एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिए तो एक्स स्क्वायर बचेगा। यहाँ से हमको माइनस का टू और यहाँ माइनस वन कॉमन ले लेंगे तो हमें एक्स स्क्वायर माइनस टू यहाँ मिल जाएगा अपान एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस वन। लिमिट एक्स टेंस टू वन, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक फैक्टर हो जाएगा और सेकेंड फैक्टर एक्स स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा। अब यहाँ से इसे एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस वन लिखेंगे। यहाँ हम देखते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से ब्रेक हो जाएगा और हम इसे लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू वन एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन अपान एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस वन। ये एक्स माइनस वन आपका कैंसिल हो जाएगा और कैंसिल हो करके हमको मिलेगा, इसे आगे यही बढ़ा लेते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू वन एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस वन। टेकिंग लिमिट देन, जब लिमिट लेंगे तो ये हमारा रिजल्ट आएगा इक्वल टू एक्स की जगह वन रखेंगे, वन स्क्वायर माइनस टू वन प्लस वन अपान वन स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन माइनस वन। दैट इज, अब हमारा रिजल्ट हो जाएगा माइनस टू अपान माइनस फोर दैट इज वन बाई टू, ये रिजल्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे। सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको दिया गया है, चलिए अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, हमारा क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंस टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस नाइन इंटू वन अपान एक्स प्लस थ्री प्लस वन अपान एक्स माइनस थ्री।
अब यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 3, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, इसके यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से फैक्टर करेंगे तो x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3, और यहाँ पे एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारा x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 हो जाएगा, ऊपर डिनोमिनेटर में आएगा x माइनस 3 प्लस एक्स प्लस 3, एक्स माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ये लिमिट x टेंस टू 3 रिमेनिंग पार्ट हुआ 2x, 2x में हम लिमिट ले लेंगे, टेकिंग लिमिट देन हमें मिल जाएगा 2 इंटू एक्स की जगह 3 रख देंगे तो रिजल्ट हो जाएगा 6। दिस इज रिक्वायर्ड रिजल्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 9 x टू द पावर 3/2 माइनस 27 अपन x माइनस 9। यहाँ पे अगर हम x इक्वल टू 9 पुट कर देंगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों 0 हो जाएगा, अर्थात इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, इसके लिए हमको फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना पड़ेगा, अर्थात न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के फैक्टर कर लें और फिर सिंप्लीफाई कर लें। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लिमिट x टेंस टू 9, यहाँ से इसे हम लिख सकते हैं x टू द पावर 1/2 होल टू द पावर 3 माइनस 3 जू अपान x टू द पावर 1/2 टू द पावर 2 माइनस 3 स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये हमारा फार्मूला हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 9, यहाँ पे हमारा फार्मूला बन रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और सेकेंड ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, जिसे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखेंगे। चलिए इसे हम कन्वर्ट करते हैं, तो ये हो गया हमारा x टू द, इसे x टू द पावर 1/2 माइनस 3 x टू द पावर 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 x टू द पावर 1/2 प्लस का 3 स्क्वायर अपान डिनोमिनेटर में आएगा आपका x टू द पावर 1/2 माइनस 3 इंटू x टू द पावर 1/2 प्लस 3। तो अब हम यहाँ बात करने वाले हैं लिमिट x टेंस टू 9, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा और बचे हुए पार्ट को हम लिखते हैं, यहाँ से इसकी पावर हट जाएगी तो ये x बचेगा प्लस 3, इसे अंडर रूट में लिख सकते हैं रूट x प्लस 9 अपान अंडर रूट x प्लस 3, टेकिंग लिमिट देन जब लिमिट लेंगे तो x की जगह पे 9 रखेंगे तो 9 प्लस 3 इंटू अंडर रूट 9 प्लस 9 अपॉन अंडर रूट 9 प्लस 3, ये हमारा आ जाएगा 9 प्लस 9 प्लस 9 अपॉन 3 प्लस 3,
दैट इज 27 अपान 6, रिजल्ट आएगा 9 अपान 2। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का रिजल्ट हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस 1/3 अपान 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस 2/3। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन में आते हैं और हम इसे लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1। यहाँ पे a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला। अब यहाँ पे हम इसे क्या करें, 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस 1/3 एज इट इज लिखते हैं और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बताते हैं। तो 1 स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर माइनस 1/3 स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। अर्थात ये अब हमारा हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस 1/3 अपान 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस 1/3 इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर अपान 1 माइनस एक्स टू द पावर इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस 1/3। यहां से एक्स माइनस 1 पूरे को चलेगा। अब हम इसे लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस x टू द पावर माइनस 1/3 एज इट इज एंड इसे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से ब्रेक कर देंगे। तो 1 प्लस x टू द पावर माइनस 1/3 इंटू 1 माइनस x टू द पावर माइनस 1/3। यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपका कैंसिल हो जाएगा कॉमन होने की वजह से। रिमेनिंग पार्ट हम यहाँ लिख लेते हैं। तो ये रिमेनिंग पार्ट में आ गया 1 अपान 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस 1/3। टेकिंग लिमिट लिमिट देन रिजल्ट होगा 1 अपान एक्स की जगह पे 1 पुट कर देंगे तो 1 प्लस यहाँ पे वो भी 1 आ जाएगा 1 टू द पावर माइनस 1/3। रिजल्ट दे देगा 1 अपान 1 प्लस 1 दैट इज 1/2। दिस इज रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन मेथड से लिमिट के क्वेश्चनों को सॉल्व किया। तो यहाँ हम लोगों ने फैक्टराइजेशन मेथड सीखे। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में रेशनलाइजेशन मेथड से क्वेश्चन लिमिट के कैसे सॉल्व किए जाते हैं ये चीज सीखेंगे। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं।